रिया के वकील पर कंगना रनौत का निशाना, कहा ब्लड टेस्ट हुए तो कई सितारे जाएंगे जेल। पीएमओ से स्वच्छ भारत मिशन की तरह बॉलीवुड का गटर साफ करने की अपील। इसी विवाद पर कंगना ने ट्वीट कर फिर बॉलीवुड के एक तबके पर साधा निशाना। कंगना ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि अगर बॉलीवुड में नारकोटिक्स टेस्ट हो जाए तो कई सारे सितारे जेल में होंगे। उन्होंने पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट किया है, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में आ गया तो ए लिस्टर जेल में पहुंच जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो कई बड़े खुलासे होंगे। उम्मीद है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड के इस गटर को भी साफ किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 20 सितंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की ताजा तारीखें भी जारी की। सरकार ने फिलहाल सितंबर महीने की 3 तारीखों का ऐलान किया है जब राज्य में लॉकडाउन रहेगा। पश्चिम बंगाल में 7, 11 और 12 सितंबर को पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके अलावा बंगाल सरकार ने रेल संचालन की भी वकालत की है। ममता सरकार का कहना है कि अगर ट्रेनों का संचालन फिर से होता है तो ये ठीक है। कोरोना काल में नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने, विपक्षी नेता हुए गोलबंद। 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तय किया कि सितंबर में प्रस्तावित नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौर में वो नीट और जेईई परीक्षा कराने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को प्रस्तावित है जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नीट और जेईई परीक्षा को लेकर 7 गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई थी। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज, कुल मामले 32 लाख के पार, 24 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर लौटे जबकि करीब 60,000 लोगों की हुई मौत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले किसी मरीज की मौत 14 जुलाई के बाद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर घटकर 1.4 है जो देश में सबसे बेहतर है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1693 नए मामले सामने आए हैं। किम जोंग को कोमा में जाने की खबरों के बीच नई तस्वीर आई सामने, उत्तर कोरिया ने जारी की नई तस्वीर। नई तस्वीर में किम जोंग उन वर्कर्स पार्टी के पोलिट ब्यूरो की मीटिंग में बैठे हैं। उन्होंने कोविड-19 और तूफान की रोकथाम के कदम उठाने को कहा। नई तस्वीर दिवंगत दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति किम जे जोंग के पूर्व सहयोगी की तरफ से किम के कोमा में होने के दावे के बाद आई।